Now our next topic is equality, principles and practices. So these are actually the basic skills and basic concepts we have to produce in our young kids, or in other words, in early childhood education. Equality is partly focused on the individual children and families currently attending their setting or service. Hamara equality. कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं और जो उनके फैमिलीज हैं जिस तरह से भी मुख्तलिफ तबकों से उनका ताल्लुक है उन सब को इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूल के अंदर मिले खा वो मुख्तलिफ जेंडर के हों वो मुख्तलिफ सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड के हों खे फिज़िकल एबिलिटीज़ में डिफ्रेंस हों और ख्वा उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड में फ़र्क हो जैसे पेरेंट्स कुछ लेबर में होते हैं कुछ जो है वो ऑफिस में काम करते हैं कोई पढ़े लिखे हैं कोई पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे मुल्क में तो ऐसा बहुत है तो उन सारे तरह के बच्चों को कैसे हमने एक जैसे वसाइल फराहम करने हैं और एक सतह पे उनको रखना है सो इक्वालिटी रिक्वायर्स रिफ्लैक्शन एज नॉलेज अबाउट पास्ट एंड डिस्कशन विद अदर्स ये इक्वालिटी तब तक आप सस्टेन नहीं कर सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आपको सारे बच्चों की बैकग्राउंड का पता नहीं हो तो इन बैकग्राउंड को कैसे पता करेंगे कुछ तो कवायफ जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनके स्कूल के रिकॉर्ड में आ जाते हैं और कुछ कवायफ ऐसे होंगे जो आपको पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे जैसे आप हर वालद या वालदा से इंडिविजुअल इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि भाई आ, आपके आपका पेशा क्या है आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं और ये कि आप अपने बच्चे को कितनी तवज्जो देते हैं कितनी नहीं दे सकते माली हालात क्या है और सबसे बढ़ के बच्चे के बारे में मालूम हासिल करना कि उसमें क्या क्या ख़ूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं आपको किस तरह का लगता है कौन सी ऐसी डिसबिलिटीज़ हो सकती हैं पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है तो जो सबसे पहली बात यह है कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन एक एजुकेटर को छोटे बच्चों के बारे में लेना जरूरी है जब आपको सब पता चल जाएगा फिर ही आप उनके लिए बराबर के मौाक़े जो हैं, वो फराहम कर सकते हैं जिसको जिस, जिस चीज की जरूरत हो वो फराहम कर सकते हैं सो so, एक बात तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एजुकेटर्स के लिए नहीं है कि एजुकेटर्स बच्चों को एक जैसा समझें और एक जैसी ऑपरचुनिटीज दें जब हम पीछे लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हर वो कॉन्सेप्ट जो हमें एडल्ट में अपने बच्चों में अपने इंसानों में कम्युनिटी मेंबर्स में चाहिए वो हमें वहीं से इब्तदाई तालीम के साथ ही शुरू करना है जैसे आज अगर हमारे यहाँ सियासत का फुकदान है या हमारे लीडर्स जो हैं वो ठीक से ना परफॉर्म कर रहे हों या हमारे प्रोफेशनल्स ठीक से परफॉर्म ना कर रहे हों कहीं भी हमें मसाइल आएँ तो आपका क्या ख्याल है इसकी क्या वजह होगी साफ ज़ाहिर है जब वो बच्चे थे तो उनकी तरबियत एक अच्छी लीडरशिप के तौर पर लीडर्स के तौर पर अच्छे प्रोफेशनल्स के तौर पर अच्छे ह्यूमन बियंग्स के तौर पर नहीं की गई तो अगर वो तरबियत कर दी जाती तो आज ये जो कम्युनिटी में हमें एडल्ट्स में मसायल नजर आते हैं वो नहीं होते तो हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें अपने बच्चों में पैदा करना है कि भाई आप सब बराबर हैं ना आप रंग में ना नस्ल में और ना आप अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में किसी को किसी पर कोई फोकियत हासिल नहीं और ये तो हमारे मजहब का भी हिस्सा है कि किसी को किसी पर कोई फोकियत हासिल नहीं सबको बराबर के मौाक़े हासिल होने चाहिए तो कैसे करेंगे इट्स द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रेगुलरली और रिपीटेडली टू क्रिएट परफेक्शन देखिए आपको क्या करना है ये प्रैक्टिस रोज के रोज बच्चों में इनकलकेट करनी है रोज के रोज उनको बराबर के रिसोर्स बांटने हैं किसी के साथ फेवरिटिज्म नहीं करना किसी को कम किसी को ज़्यादा ना देना है ना प्यार मोहब्बत और ना ही वसाइल कहीं किसी को दूसरे पर तरजीह नहीं दी जाएगी अन अनलेस के उसके अंदर कुछ ऐसी डफिशंसीज या डिसबिलिटीज ना हो जिसपे सबको पहले अवेयर किया जाएगा कि देखे फलां को ये मसला है या उसको ये हो सकता है उसको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें उसको ये चीज देना है वरना दूसरी सूर्त में सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए बच्चों को बताया जाए कि सब आप ही के जैसे हैं और आपको किसी पर फोकियत हासिल नहीं है Then, practice leads जितना ज्यादा हम इसको अपने अमाल में सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे कि सबके साथ अदल के साथ पेश आए सबको एक जैसे मौाक़ दें एक जैसे वसाइल दें एक जैसा पैसा है घर में जो सिबलिंग्स के साथ तो ये भी हमारे ही मजहब की आ, इ है कि जो बच्चे हैं किसी भी शख्स के वो उनके साथ भी बराबर का सलूक करो करे किसी को किसी पर फोकियत ना दे। देन प्रिंसिपल मीन्स यहाँ हमारे असूल हैं इज अ बेसिक आइडिया और रूल दैट एक्सप्लेन और कंट्रोल्स हाउ समथिंग सो एग्जाम्पल्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग इन ग्रुप्स तो फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि इक्वालिटी लाने के लिए कुछ असूल आपको पहले से वज़ा करने पड़ेंगे पहला असूल तो ये कि अगर हम सबको जैसे मैंने बताया सबके साथ एक सा सलूक कर रहे हैं तो सबको बराबर का काम बांटा जाएगा है ना वसायल सबको एक से दिए जाएंगे जिम्मेदारियां भी सबको एक सी दी जाएंगी अगर उनके हकूक बराबर हैं तो उनके फ़राज भी बराबर हैं ताकि आने वाले दिनों में उसको पता हो कि वो इस तरह का कोई उसको एज नहीं मिलने वाला या फायदा नहीं मिलने वाला कि वो एक तरफ बैठ के दूसरों को अपनी खिदमत पे मामूर करेगा उसको भी बराबर दूसरों के साथ एफर्ट करना है फिर जैसे मैंने अर्ज किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसकी ड्यूटीज़ को उसके राइट्स को इन सारी चीज़ों को एक साथ तकसीम किया जाएगा और फिर जब हम इक्वलिटी पैदा करना चाहते हैं तो इक्वलिटी ज़ाहिर किसी और के साथ होती है तो ग्रुप में काम करेंगे तो दूसरे जो ग्रुप के दूसरे अफराद होंगे उनके साथ हमें कम्युनिकेशन का और इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तो हमारे बच्चे जान पाएंगे कि उनके और उनके बीच में आ, क्या बराबरी है पीछे हम एक, एक बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने मॉड्यूल्स में कि आप उनको दूसरे बच्चों के साथ डिस्कशन का मौका दें वो एक पेपर पे उनकी और अपनी सिमिलार्टीज लिखें और उनकी और अपने डिफरेंसेस लिखें और फिर देखें ये भी लिखें कि अगर कोई रिसोर्स है फर्ज करें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है क्लास के अंदर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है घर के अंदर तो क्या उनको उनसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या बराबर मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए देखें बराबर भी एक्सेप्टेबल है अगर वो कहते हैं हमें कम मिलना चाहिए तो भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहाँ वो सेक्रीफाइस करना जानते हैं लेकिन ज्यादा को आप जाहिर है उसके ऊपर बात की जाएगी कि अगर ज्यादा मिलना चाहिए तो क्यों आपके पास उसका क्या जवाब है तो बहुत बेहतर है कि बच्चे खुद से इन चीज़ों को डिसाइड करें कि इक्वालिटी क्या है और इसका मतलब क्या है साफ ज़ाहिर है इसका मतलब है सारे वसाइल की तमाम हकूक की तमाम फरज की एक सी डिस्ट्रीब्यूशन होना किसी को किसी पर फोकियत ना दिए जाना और सबको बराबर किसी भी मौके पे बात करने में भी शरीक करना और सोशलाइजेशन करने में बराबर का मौका देना